नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने जिस तरीके से पार्टी की कमान संभाली और उसके बाद लगातार वो पार्टी में कई तरीके के बदलाव करना चाहते हैं। दरअसल गांधी परिवार से अलग हट करके भी वो फैसला लेना चाह रहे हैं और इस बड़े मामले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी तौर पर गहमा गहमी का माहौल छिड़ गया है। लगातार लोग एक दूसरे से ये बात आप कह सकते हैं कि पूछते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई अशोक माफ कीजिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे की जो अध्यक्षता है वो बनी रहेगी। साथ ही आपको बताऊं कि जो आरोप लगाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और कई जो है एनडीए के साथी दल के द्वारा कि मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं चुनाव के माध्यम से ही, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी परिवार का जो रुतबा है, जो जलवा है, वो बरकरार रहेगा। और अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज होता नजर आ रहा है ये तमाम आप कह सकते हैं कि आरोप जो लगा रहे थे, क्योंकि इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा चुके हैं और पार्टी में कई तरीके के बदलाव को लेकर वो अपने दम पर अपने मुताबिक कई बड़े फैसले लेने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक वो तमाम फैसले नहीं लिए गए। तो ये क्या मान लिया जाए कि चुनावों को मद्देनजर रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकता है कि आने वाले समय में फैसला ले सकते हैं? हालांकि चुनाव में अब मात्र 15-16 महीनों का समय रह गया है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है और उसको लेकर के वो उस समय जरूर अपनी रणनीतियों में बदलाव करेगा और क्या उसके बाद भी पार्टी में वही स्थिरता बरकरार रहेगी, सवाल ये बड़ा है। क्योंकि इसके बाद बताया जा रहा है कि पार्टी में हो सकता है कि बिखराव पैदा हो, बड़ी टूट देखने को मिल जाए। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज को। धन्यवाद।